दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। सो आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएँ कि जीडी के एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आते हैं और स्टैटिक्स से कितने हैं। सो क्वेश्चन पेपर को केयरफुली वॉच करें। सो पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्मृति मंधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 331, आर्टिकल 331। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो यह किस वर्ष में इस नीति का सूत्रीकरण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हैं ज़ेनॉन, हीलियम, ऑर्गन, नियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हीलियम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1930। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष डैश तक उन राज्यों के लिए शिशु मृत्यु दर में 12% की गिरावट आई जिन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अंगीकृत नहीं किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2015-16 से लेकर 2019-20 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावागढ़ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 21। बात करें आर्टिकल 26 की, तो इसमें धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता है, और बात करें आर्टिकल 17 की, तो इसमें अस्पृश्यता का अंत है, और 20 में दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 लाख। अगला क्वेश्चन है, केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 10 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, बनारस में इनमें से किस राजा को 1781 में वारन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चैत सिंह। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में नाबार्ड ने कर्नाटक में इनमें से किस मिशन के अंतर्गत जल, साफ सफाई और स्वच्छता पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वच्छ भारत मिशन। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ जल सर्वेक्षण यानी कि हाइड्रोग्राफी पर एक कार्यान्वयन अनुबंधन हस्ताक्षरित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक पर्व 2021 की विषय वस्तु क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुणवत्ता और सतत विद्यालय, भारत में विद्यालयों से ज्ञान प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन है 1921, 1929, 1919, 1931। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1931। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टेबल टेनिस। अचंत शरत कमल एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग मैच में दो मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन हैं मोहित शर्मा, इमरान ताहिर, मोहम्मद सिराज, सोहेल तनवेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद सिराज। अगला क्वेश्चन है, शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन हैं पंजाब, हरियाणा, बिहार, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब। बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज की लेखिका हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पिट्टी द्वीप। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 105। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।